Namaskar. As we are talking about the chapter Vijayanagar Empire, and the topic is Rai Nayak and Sultans. ये लोग क्या थे? हम विजयनगर जो एम्पायर है उसमें ये क्या पोजीशन थी, हम इसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं. अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशन एंड एपिग्राफिक एविडेंस, टू ब्रदर्स, चाहे वो जो हम्पी की मैंने बताया कि जो स्टोरीज थी वहां के लोगों के, जो लोकल ट्रेडिशंस में स्टोरीज थी जिसके द्वारा हम्पी का हिस्ट्री बाद में लिखा गया, उस ट्रेडिशन के बेस पर, और जो एपिग्राफिक एविडेंस थे जो वहां पर जो इंस्क्रिप्शन वगैरह में जो एविडेंस थे उसके बेस पर, वी से दैट दिस एम्पायर वॉज फाउंडेड बाय द टू ब्रदर्स हरिहर एंड बोक्का इन 1336. दिस एम्पायर इंक्लूड विद इन इट्स फ्लक्चुएटिंग फ्रंटियर्स पीपुल हु स्पोक डिफरेंट लैंग्वेज एंड फॉलोड डिफरेंट रिलीजियस ट्रेडिशन. यस, जैसे कि पहले बहुत सारे एम्पायर्स के लिए बात सही है कि जो उनकी बाउंड्रीज होती थी वो फ्लक्चुएटिंग होती थी. आज इसको जीता, कल उसको हारे, परसों उसको जीता, कल उसको हार गए. तो इसके आधार पर बीच से दैट फ्लक्चुएटिंग फ्रंटियर्स ऑफ द विजयनगर एम्पायर, और इसके कारण से जो उसके अंदर जो, जैसा हम जानते हैं कि जो साउथ में लगभग हमने महाराष्ट्र से जो कृष्णा रिवर आती है महाराष्ट्र होकर के कर्नाटक तमिलनाडु होते हुए आंध्रा में जाती है, उसके साउथ में जितनी भी लैंड है उसको हम कभी न कभी इस एम्पायर के रूप में देखते हैं. तो उसके बीच में जितनी भी लैंग्वेज बोली जा रही हैं, चाहे वो तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, सभी लैंग्वेज के बोलने वाले इसमें रहते हैं. वो डिफरेंट लैंग्वेज बोलते हैं, यानी कि विजयनगर एम्पायर में बहुत सारे लैंग्वेज को बोलने वाले और कई प्रकार के कल्चर के लोग रहते हैं. ऑन देयर नॉर्दर्न फ्रंटियर द विजयनगर किंग्स कम्पीटेड विद कंटेम्प्रेरी रूलर्स, जो उस समय नॉर्थ में, जैसा कि हम जानते हैं कि एक तरफ ये दक्कन की सल्तनत थी और दूसरी तरफ उड़ीसा पड़ता था, जहां पर जो गजपति रूलर्स वहां पर उस समय हुआ करते थे, उनके बीच में हमेशा ये जो विजयनगर एम्पायर है इनके बीच में एक कंपटीशन चलता रहता था. व्हाट फॉरवर्ड कंपटीशन, किस लिए? फॉर कंट्रोल ऑफ फर्टाइल रिवर वैली. चूंकि पहले बताया कि ये तुंगभद्रा और कृष्णा का ये दुआब है, तो ये काफी इसकी अच्छी लैंड थी, ओवरसी ट्रेड भी बहुत अच्छा था जिसको, तो इस फर्टाइल रिवर वैली के कारण और ल्यूक्रेटिव ओवरसी ट्रेड के कारण, इट वॉज द टू रीजन जिसके कारण जो इनके फ्रंटियर्स के जो नेवर्स थे वो भी चाहते थे इस पर कब्जा करना चाहते थे, इसलिए हमेशा एक लड़ाई या कंपटीशन की बात चलती रहती थी. एट द सेम टाइम इंटरेक्शन बिटवीन दीज स्टेट्स लेड टू शेयरिंग ऑफ आइडिया स्पेशली इन द फील्ड ऑफ आर्किटेक्चर. चूंकि इसके फ्रंटियर्स पर बहुत सारी कल्चर थी, बहुत सारे प्रकार के लोग थे, साम्राज्य थे, एम्पायर थे, तो उन एम्पायर्स के साथ वो जो, जैसे कि मैंने बताया कि सल्तनत के ये दक्कन के एम्पायर था, गजपति एम्पायर था, और जो दूसरे बीच में जो कई लैंग्वेज के बोलने वाले लोग थे, तो कई प्रकार की कल्चर एक साथ थी वहाँ पर. तो उनके बीच में जो लेन देन था, उनके कल्चर के जो कल्चर फैक्ट्स का जो लेन देन हो रहा था, उसके कारण जिसको हम कहते हैं इंट्रैक्शन बिटवीन दीज स्टेट्स लेड टू शेयरिंग ऑफ आइडियाज. तो कई प्रकार की जो आइडियाज थे वो आपस में शेयरिंग के द्वारा और रिच हो रहे थे, स्पेशली इन द, और इसी जैसे कि कहा जाता है आर्किटेक्चर, एक दूसरे से लेन देन के कारण जो उनकी कई चीज़ों में बदलाव आया, कई चीज़ें अच्छी हुई, जैसे कि आर्किटेक्चर यानी कि मंदिरों को बनावट,
इन सब चीजों में खासा परिवर्तन आया। द रूलर्स ऑफ विजयनगर बारोड कंसेप्ट एंड बिल्डिंग टेक्निक विच दे देन डेवलप्ड फर्दर। जैसे मैंने पहले कहा कि जो जो पड़ोसी कल्चर थी उनके साथ उन लोगों ने आर्किटेक्चर्स लेकर के दूसरी चीज़ों का लेन देन किया और अपनी कल्चर को रिच किया, जिससे कि जो बिल्डिंग टेक्निक थी या दूसरी आइडियाज थी उन सब में काफ़ी बदलाव आया और उन लोगों ने, विजयनगर के लोगों ने भी उसको काफ़ी रिच किया। सम ऑफ द एरियाज दैट वेयर इनकॉर्पोरेटेड विद इन द एम्पायर एंड विटनेस द डेवलपमेंट ऑफ पावरफुल स्टेट सच एज दोस ऑफ द तोलास चोलास इन तमिलनाडु एंड होयसल इन कर्नाटका। यानी कि जो ये एरिया जो था जिस पर विजयनगर बना था उसके पहले इस पर इसी एरिया में दो बड़े ही इम्पॉर्टेंट और बड़े ही रिच कल्चरली रिच वहाँ पर एम्पायर पहले भी रह चुके थे, जैसे कि चोलास तमिलनाडु के चोल और कर्नाटका के होयसल एम्पायर। ये दो एम्पायर पहले से भी यहाँ पर रह चुके थे, यानी कि ये बड़े एम्पायर थे जो कि आज जो है विजयनगर के पार्ट बने हुए थे। रूलिंग एलीट इन दीज एरियाज हैड एक्सटेंडेड पेट्रोनेज टू एलेबोरेट टेम्पल सच एज द बृद्धस्वा टेम्पल एट तंजावर एंड द चेनकेश्वा टेम्पल एट बेलूर। यानी कि जो बृद्धेश्वर टेम्पल था तंजावर का और जो ये चेनकेश्वा टेम्पल बेलूर का था, इनको जो ये यहाँ के जो विजयनगर के राय थे उन लोगों ने इसको अपना पेट्रोनेज दिया। द रूलर्स ऑफ विजयनगर हु कॉल्ड देमसेल्व रायज बिल्ट ऑन दीज ट्रेडिशंस एंड कैरीड देम। यानी कि जो ये पहले मंदिर थे इनको पहले से भी राजाओं का पेट्रोनेज मिलता था, इसके बाद अब उसी जगह पर किसका हो गया एम्पायर, इनका हो गया, विजयनगर का एम्पायर हो गया। तो अब विजयनगर के एम्पायर के लोग भी जो अपने आप को राय कहते थे उन लोगों ने वहाँ के जो टेम्पल थे उनको अपना पेट्रोनेज देना जारी रखा। लिटरली ट्रेडिशन एंड कैरी देम एज वेल एज सी लिटरली टू न्यू हाइट्स। यानी कि जो पहले से जो चला आ रही थी, जो ट्रेडिशन चला आ रही थी उसको उन लोगों ने आगे बढ़ाया। हम अपनी बात को यहीं पर ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में हम देखेंगे किंग्स एंड ट्रेडर्स। नमस्कार, धन्यवाद।